हेलो दोस्तों, वेलकम टू करियर सेटिंग। सूखे के कारण एक गांव के किसान बहुत ही परेशान थे। धरती से पानी गायब हो चुका था, ट्यूबवेल जवाब दे चुके थे, खेती करने के लिए सभी बस इंद्र की कृपा पर निर्भर थे। पर बहुत से पूजा पाठ और यज्ञों के बावजूद बारिश होने का नाम नहीं ले रही थी। हर रोज किसान एक जगह इकट्ठा होते और बादलों को ताकते रहते कि कब बारिश हो और कब वो खेतों में लौटे। आज भी सभी बारिश के इंतजार में बैठे हुए थे। तभी किसी ने कहा, अरे ये हरियाणी दिखाई दे रहा, कहाँ गया 2-3 दिनों से? कहीं मजदूरी करने शहर तो नहीं चला गया? बात हंसी में टल गई। और 2-3 दिन हरिया जब फिर भी नहीं दिखाई दिया तो किस लोग सब ने सोचा कि क्या करें, इसके घर पे जाते हैं। लोग मिलके उसके घर पे गए और किसी ने उसके बेटे से पूछा कि बेटा तेरे बाबूजी कहाँ है? तो बेटे ने कहा कि पापा खेत में काम करने गए, और वो अंदर की तरफ भाग गया। लोग चौंक गए, काम करने गए इन इतनी बड़ी धूप में, खेत में काम करने गए। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरिया ऐसे कैसे कर सकता है। लगता है इस गर्मी में हरिया पगला गया है, किसी ने चुटकी ली और सभी ठहाका लगाने लगे। लेकिन सबके अंदर क्यूरियोसिटी था, कौतूहल था कि हरिया खेत में क्या कर रहा होगा, और सभी उसे देखने चल पड़े। उन्होंने देखा कि हरिया खेत में गड्ढा खोद रहा है। तो किसी ने पूछा कि अरे हरिया क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए, क्या कर क्या रहे हो, ऐसे गड्ढे क्यों खोद रहे हो? तो हरिया ने जवाब दिया कि कुछ नहीं, बस बारिश होने की तैयारी कर रहा हूँ। जहां बड़े बड़े जतन करने से बारिश नहीं हुई, वहां तेरा गड्ढा खोदने का टोटका का बड़ा काम आने वाला है। तो हरिया कहता है कि नहीं नहीं मैं टोटका नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि जब बारिश हो तो इस तरह का जो बहाव निकल रहा है उसका सारा बहाव का पानी इस गड्ढे में इकट्ठा हो ले, ताकि जब अगली बारिश बहुत दिनों के बाद भी हो या 2-4 दिनों के बाद भी हो तो पानी बचा रहे, मुझे जरूरत ना पड़े अगली बारिश की। तो इन्होंने कहा कि अरे इस बार की बारिश का ठिकाना नहीं है, तो अगली बार की बारिश की बात कर रहा है। महीने बीत गए, एक बूंद नहीं टपकी आसमान से, ये बेकार की मेहनत है, टाइम मत पास कर, तू बर्बाद मत कर अपना समय, चल हमारे साथ चल। लेकिन हरिया ने उनकी एक नहीं सुनी। ऐसे ही एक दिन और बीत गए और बारिश नहीं हुई। फिर बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती रही, और रोज सुबह शाम तक हरिया अपने खेत में जाके उस गड्ढे को बड़ा बड़ा और बड़ा करता रहा। फिर एक दिन अचानक ही रात में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, बिजली चमकने लगी और बारिश होने लगी। मिट्टी की भीनी भानी खुशबू सारे इलाकों में फैल गई, किसानों के चेहरे खिल उठे, सभी सोचने लगे कि बस अब अपने बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या, कुछ देर बाद ये बारिश थम गई और किसानों की खुशी भी जाती रही। अगली सुबह सब खेतों का जायजा लेने पहुंचे, मिट्टी बस ऊपर से गीली भरी हो पाई थी। ऐसे में खेतों की जुताई शुरू तो हो सकती थी, लेकिन सिंचाई के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती। किसान मायूस होकर अपने घर पे लौट गए। दूसरी तरफ हरिया भी अपने खेत पहुंचा और लबालब भरे अपने छोटे से जलाशय को देख कर बहुत खुश हुआ। समय गवाए बिना उसने हल उठाया और खेत जोतना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में माधवपुर उस गांव के सूखाग्रस्त इलाके में बस एक ही चीज हरी भरी दिखाई दे रही थी, और वो थी हरिया का खेत। दोस्तों, जब कंडीशन सही ना हो तो ऐसे में बहुत सारे लोग बस उसके सही होने का इंतजार करते हैं और उसे लेकर परेशान रहते हैं। जबकि करना ये चाहिए कि खुद को उस वक्त के लिए तैयार रखना चाहिए कि जब परिस्थितियां बदलेगी, जब कंडीशंस बदलेगी, जब सूखा खत्म होगा और बारिश आएगी, क्योंकि ये तो नेचर का नियम ही है कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन का आना ही आना है। आपका बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, चीजें बदलती है, चीजें बदलेगी, लेकिन क्या आप उस बदलाव का फायदा उठाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हो? क्या आप जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होने के लिए रो रहे हो, या बस जब वो आएगी तो उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो? क्या एक्टिंग, सिंगिंग या डांसिंग का कोई मौका मिलने पर आप उसके लिए बड़ी तेज़ जोर मेहनत कर रहे हो, या बस कॉन्टेक्स्ट ना होने पर अपनी बदनसीबी भी जाहिर कर रहे हो? बस इतना समझ लीजिए कि आज आप क्या कर रहे हैं यही तय करेगा कि कल आप क्या करेंगे। इसलिए अगर फेलियर हो, अगर असफल लोगों की भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि मुट्ठी भर कामयाब लोगों के ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो, तो आप इस आज को अपना बनाइए, उठाइए अपने औजार और तैयारी करिए लहलहाती फसल की, बारिश होने ही वाली है। और मैं जानता हूँ ये बारिश आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, अगर करता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। आप किस तरह की वीडियो हमसे देखना चाहेंगे उसके लिए कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजिए, और प्लीज़ हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस नहीं करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।